हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देवघर पार्ट 3 का ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आज है डे 4 और हम लोग आज घूमने जाएंगे नौलखा मंदिर। फोटो लेने के लिए बोल रहा है, लोगों ने टोटो ले लिया है, अभी हम लोग जा रहे हैं नौलखा मंदिर। आज का मौसम कुछ ऐसा, आज धूप नहीं निकला है, एक ही सीजन पे है। शायद वो सेम रास्ता से जाएगा जो रास्ता से हम लोग कल गए थे। यहाँ से ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है सत्संग मंदिर से, तो जाके देखते हैं। वीडियो में बने रहिए आप लोग। तो पहुँच चुके हैं हम लोग श्री श्री जुगल मंदिर नौलखा। ये हम लोग का ग्रुप है, यहाँ से जाना पड़ता है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं नौलखा मंदिर, और मेरे पीछे दिखाई देंगे आप लोग ये रहा मंदिर। देखिए कितना शानदार है, बहुत सुंदर। ये रहा मंदिर का पूरा व्यू। श्री चारुशीला दासी 1941 AD। बहुत बढ़िया है, और इसका हाइट भी काफ़ी लंबा है। देख सकते हैं बहुत सारे लोग आए हुए हैं फोटो खिंचवाने के लिए लोग। और आगे शायद पार्क है। हमारे ग्रुप के कुछ लोग फोटो खींचवा रहे हैं यहाँ पे। कितना शानदार सा मंदिर है, तो देख सकते हैं आप लोग। ये फ्रंट व्यू है मंदिर का, कितना ऊंचा है। हमारे ग्रुप जा रहे होगा, बहुत ही सुंदर सा। तो देख सकते हैं ये दूसरा साइड से मंदिर ऐसा दिखाई देता है, मंदिर का नज़ारा। और इस साइड में कुछ बना के रखे हैं। बोला जाता है कि ये मंदिर 9 साल में बनाया गया था, 9 लाख लगा इसको बनाने के लिए। काफ़ी सुंदर मंदिर है, आके बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे। पीछे कुछ एक पौंड जैसा है, पौंड ही है, कुछ बना के रखा है। वहाँ जाने के लिए तो अभी रास्ता नहीं, गेट बंद करके रख दिया है। और यहाँ पे रख सकते हैं जूता वगैरह। तो अभी जाने का टाइम हो गया है, देखते हैं हमारे ग्रुप कहाँ पे है आगे जाके। तो आप लोग को ये मंदिर देख के कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। अभी जाते हैं आगे की तरफ, हम लोग ग्रुप फोटो खिंचवाए थे। देखते हैं अभी जाके वो रेडी हुआ कि नहीं हुआ है। और इस तरफ से ये देखिए मंदिर का नज़ारा कुछ ऐसा। बाजार में जा रहे हैं, बाजार जाके देखते हैं।
यहाँ का बिग बाजार काफी बड़ा है। जाके देखते हैं अंदर क्या क्या मिलता है। क्रिसमस ट्री सजा के रखे हैं बहुत सुंदर से, और मॉल भी काफ़ी बड़ा है। ये बिग बाजार नहीं है, ये क्रिसमस बाजार है, तो हम लोग अभी फर्स्ट फ्लोर में हैं। और यहाँ से नीचे का पूरा डेकोरेशन देख सकते हैं आप लोग, जैसे सजा के रखे हैं। तो यहाँ पे कुछ खास पसंद आया नहीं है, इसलिए हम लोग अभी आगे की तरफ जा रहे हैं। आप पैदल ही जाएंगे, देखते हैं थोड़ा जाके। तो ये रहा हम लोग अभी देवघर की गलियों में, गली नहीं रास्ता पे, मेन रोड में पैदल जा रहे हैं। हम लोग एक्चुअली फ्रेंड्स मॉल घूम रहे हैं, यहाँ पर मैप पे तो ये भी दिखा रहा है, पता नहीं अभी कब में जाना पड़ेगा। गूगल मैप का भरोसे भी जा रहे हैं, देख लेते हैं आगे जाके। लोगों तो मिल गया है, हम लोग अभी जाके देखते हैं एग्जैक्टली यही वाला मॉल है कि नहीं है, जाके देख लेते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं देवघर स्टेशन। आज हम लोग का ट्रेन है 7:30 को, तो इसलिए हम लोग अभी देवघर स्टेशन में आ चुके हैं। देवघर स्टेशन का नज़ारा थोड़ा दिखाती हूँ। ये है देवघर स्टेशन का नज़ारा, और यहाँ से अभी हम लोगों को ट्रेन पकड़ना है बोंगाईगांव तक के लिए। मैं तो जाऊँगी डायरेक्ट गुवाहाटी। तो ये है देवघर रेलवे स्टेशन का अंडरग्राउंड वाला रास्ता, बहुत बढ़िया से बनाया है। अभी मैं जा रही हूँ आगे, हमारा ग्रुप सारा आगे चले गए। घर जब से मुख देखा, मुख चेहरा दिखा दीजिए अपना, यहाँ पे कौन है? गुड मॉर्निंग। यहाँ पे पूरा सब कोई बिजी है बात करने में। हाँ यहाँ पे भाई नहीं चाहिए खाना। वहाँ पे है आगे हम लोगों का और ग्रुप, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, और हम लोगों का ट्रिप खत्म हो गया है, अभी सब अपने अपने घर चले जाएंगे। सब जाएंगे और वहाँ और यहाँ पे हम लोगों का मामी मासी दोनों हाई कर रहा है। बस ठीक है, मिलते हैं और थोड़ा आगे जाके। मेरा मामी बोल रही कुछ दिखाएंगे। ये क्या है, एक्सप्लेन भी कर दीजिए क्या है। आपको नहीं पता है की चीज देखा था नहीं उधर दिल 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 अच्छा तीन जगह दिल रहा। और दिल ओ दे दे पिंकी अब गारो गाने हूँ, गारो डांस ही हो चले गए बोले।
तुम तो ठहर परिदेसी पहुंच चुके हैं अभी कूच बिहार। ये देखिए बोट में न्यू कूच बिहार। तो यहाँ का मौसम भी कुछ ऐसा है, बहुत फॉगी फॉगी होके रखा है, देख लीजिए। और ये है हम लोग का ट्रेन जिससे हम लोग जा रहे हैं अभी बोंगाईगांव की तरफ। किनका लग उससे मामा भला लगे भला लग उससे ना ओबाई ठीक है ये ओबाई ठीक ओबाई जा रहा किंगा क्या लगले बीसी भला लग से ना इलाका और अल्पा परे कि घर पुंछी जब गए हमरा अल्पा परे हमरा घर पुंछी तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। अभी मैं दूसरा ट्रेन के लिए वेट कर रही हूँ। अराउंड 8 बजे आएगा मेरा नेक्स्ट ट्रेन। मुझसे मिलने कौन आया है ये देखिए, तरा मेरी फ्रेंड है बर्नाली, बहुत खूबसूरत है। वो मुझसे मिलने आई है अभी रेलवे स्टेशन में, उसका घर गुवाहाटी में है। और मेरे पीछे देख सकते हो फाउंटेन इतना सुंदर से। तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन का लाइटिंग वगैरह बहुत ही सुंदर करके सजा के रखे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ खाने वाले हैं, पेट पूजा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगा है। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का नज़ारा। ये अपर असम पहुँच चुकी हूँ मैं, आप लोग देख सकते हो कितना फॉगी है। और कुछ ही देर में मैं पहुँच जाऊँगी तिनसुकिया। तो फाइनली मैं उतर चुकी हूँ ट्रेन से, अभी विंगर पकड़ लिया, मैं नमसाई जा रही हूँ। और ये नज़ारा जो है तिनसुकिया का है, बहुत फॉगी है, बहुत ही ठंडा है यहाँ का वेदर भी। नमसाई पहुँचने के लिए मुझे लगेगा 1.5 आवर यहाँ से। और मैं ये पहुँच चुकी हूँ अभी दिरा गेट में, अरुणाचल प्रदेश और आसाम का बॉर्डर वाला गेट में। तो जो लोग का ILP नहीं है उन लोग बनवाने गए हैं और हम लोग रुक रहे हैं यहाँ पे। जो लोग आते हो यहाँ पे आके आप लोग ऑफलाइन ILP बना सकते हो। तो फाइनली मैं अभी पहुँच चुकी हूँ अरुणाचल प्रदेश नामसाई डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे मैं रहती हूँ। तो यहाँ का मॉर्निंग का नज़ारा आप लोग देख सकते हो कितना शानदार है। फाइनली गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ नामसाई फिर से अपना रूम। अभी टाइम हो गया है 10:25। हेलो गाइस, मुझे देखिए मैं भी कहाँ पे हूँ, मैं वापस अपने रूम पे हूँ। और यहाँ पे है पिंपी मुजुमदार मुजुमदार। और देखो मेरी गैर हाजिरी में उसने क्या कर दिया अपना वॉल को, ये ऐसा बना दिया। वो लाइट का वजह से थोड़ा इतना दिखाई नहीं दे रहे वो वाला पार्ट, हाँ अभी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा करके सजा के रखे हैं वो। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करूँगी, क्योंकि ये मेरा लास्ट
लास्ट वाला सीन होगा घर से प्लस झारखंड से आने के बाद। तो इसी के साथ हम लोग एंड करते हैं, तो बाय बाय। और हाँ, मैं अभी भी यूनिफॉर्म में, देखो इतना तकलीफ से मैं आते ही मैं ड्यूटी में चली गई थी। ओके बाय बाय। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।